हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लंब वृत्तीय बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का अध्ययन करेंगे। मानस देखो, मैं आज क्रिसमस की तैयारी के लिए मोमबत्तियां बना रहा हूँ। ये तो कितनी रंगीन और सुंदर है। तुम ऐसी कितनी मोमबत्तियां बनाने वाले हो थॉमस? मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसी 20 मोमबत्तियां बनाऊं ताकि मैं पूरे घर को इनसे सजा सकूं। अरे वाह, लेकिन तुम्हें इतनी सारी मोमबत्तियां बनाने के लिए तो काफी मोम की आवश्यकता होगी। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं ये कैसे पता लगाऊं कि 20 मोमबत्तियां बनाने के लिए मुझे कितने मोम की आवश्यकता होगी? ठीक उसी तरह जिस तरह हम अन्य उलझनों का हल ढूंढते हैं गणित के द्वारा। ये गणित का समय है। देखो थॉमस, प्रत्येक मोमबत्ती लंब वृत्तीय बेलनाकार राइट सर्कुलर सिलेंडर है। जितना मोम प्रत्येक मोमबत्ती को बनाने में इस्तेमाल होगा वो उसके द्वारा घेरी गई जगह के बराबर यानी उसके आयतन के बराबर होगा। मानस, हमने पिछली कक्षा में लंब वृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र तो सीखा था, लेकिन मुझे अब वो याद नहीं है। क्या तुम्हें वो सूत्र याद है? मुझे भी ये सूत्र तो याद नहीं है, लेकिन हम इसे फिर से ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक मोमबत्ती लंब वृत्तीय बेलनाकार राइट सर्कुलर सिलेंडर है क्योंकि इसका वक्रीय हिस्सा इसके आधार पर लंब है। कल्पना करो कि हर मोमबत्ती नगण्य मोटाई वाले पतली वृत्तीय परतों से बनी है और हर वृत्तीय परत की त्रिज्या R है। अब यदि प्रत्येक मोमबत्ती की ऊंचाई H है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मोमबत्ती द्वारा घेरी गई जगह यानी उसका आयतन प्रत्येक वृत्तीय परत के क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगा। प्रत्येक परत का क्षेत्रफल पाई और आर के वर्ग के गुणनफल के बराबर है और यहाँ मोमबत्ती की ऊंचाई एच है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लंब वृत्तीय बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पाई आर का वर्ग और एच के गुणनफल के बराबर है, जहाँ आर लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और h उसकी ऊंचाई है। अरे वाह मानस, हमें लंब वृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र मिल गया। चलो अब मैं इसमें r और h की जगह क्रमशः मोमबत्ती के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर लिखकर इसे हल कर लेता हूँ। प्रत्येक मोमबत्ती का आयतन 396 सेंटीमीटर घन है। इसका मतलब मुझे प्रत्येक मोमबत्ती बनाने के लिए 396 सेंटीमीटर घन मोम की आवश्यकता होगी और मुझे ऐसी 20 मोमबत्तियां बनानी है। इसके लिए मुझे 396 गुणा 20 यानी 7920 सेंटीमीटर घन मोम की आवश्यकता होगी। चलो हम अपनी दुनिया में जाएं और बाजार से मोम खरीद लाएं, फिर मिलकर मोमबत्तियां बनाएंगे। दोनों दोस्तों ने मिलकर 20 मोमबत्तियां बना ली और थॉमस के घर को उन मोमबत्तियों से सजा लिया। इस वीडियो में हमने लंब वृत्तीय बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का अध्ययन किया। हमने सीखा, एक
लंब वृत्तीय बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? दो, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे ज्ञात करें? अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।